दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत थैंक्स, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने 7 लाख की मेरी फैमिली कंप्लीट कर दी है। 7 लाख मेरे चैनल के ऊपर जो है वो पूरे हो चुके हैं। आप लोग यानी कि 7 लाख पर्सन मेरे साथ जुड़े हैं जो मुझे हर रोज देखते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 7 लाख बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। जर्नी 1000 से स्टार्ट की, यू नो 1 से स्टार्ट की। जो मेरा पहला सब्सक्राइबर है, मुझे नहीं पता कि मेरा पहला सब्सक्राइबर कौन है, लेकिन जो भी है उसका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि उसने इस पीढ़ी को स्टार्ट किया और 7 लाख तक पहुंचा दिया। इतने मेंबर्स इकट्ठे हो गए, इतने सब्सक्राइबर, इतने व्यूवर्स मेरे साथ जुड़े हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। एंड गाइज, आज आप लोगों की कुछ यू नो नेगेटिव कमेंट मैंने देखे, जिसमें लिखा होता है कि मैम आप काले को गोरा कैसे कर सकते हैं। स्किन वाइटनिंग रेमेडीज, चेहरे को 1 मिनट में गोरा कर दे, ऐसे टाइटल मैं डालती हूँ। वो इसीलिए होते हैं ताकि आप लोग अट्रैक्ट हों और उस वीडियो को देखें, ठीक है। वो सीधी सी बात है, सिंपल ही बताना चाहती हूँ। कोई उसके अंदर ये नहीं है कि 1 मिनट में मैं आपको गोरा कर दूंगी, जी नहीं। वो स्किन वाइटनिंग ट्रीटमेंट होता है, स्किन वाइटनिंग रेमेडी होती है, जिसे आपने कंटिन्यू यूज करना है। उससे ही आपकी स्किन वाइट होगी। और हाँ, वाइट होने का मतलब ये नहीं है कि आप एक बार लगाओगे और चेहरा गोरा हो जाएगा। स्किन क्लीन होती है, पोल्यूशन, डस्ट, डर्ट निकलता है स्किन की, जो स्किन रेश होने के बाद जो डस्ट डर्ट निकलती है, धूल मिट्टी निकल जाती है, वो उसके बाद जो स्किन बाहर निकलेगी वो बहुत बहुत गोरी होगी। स्टिल मैं फेस पैक यूज करके अभी वीडियो जो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, राइट। तो जो मुझे रिजल्ट मिला वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। स्टिल मेरी स्किन बहुत क्लीन है, स्किन एकदम फ्रेश है। मैंने एक मॉइस्चराइज तक फेस पे नहीं लगाया, कोई फाउंडेशन नहीं है, कोई भी चेहरे पे फाउंडेशन नहीं है। कैसे दिखाऊं आप लोगों को, या कोई फाउंडेशन नहीं है फेस पे, सिर्फ लिपस्टिक है और एक आईलाइनर लगाया है, दैट्स इट। सो मैं बात कर रही हूँ कि स्किन वाइटनिंग की। अगर आप इस रेमेडी को कंटिन्यू यूज करते हैं, एक दिन छोड़ के यूज करते हैं, तो चेहरा बिल्कुल निखरेगा। अगर आप ये सोचते हैं कि मैडम एक रेमेडी के साथ कैसे हो सकता है, गोरा काला नहीं हो सकता, काला गोरा नहीं हो सकता, ऐसे है, तो मैं बता दूं कि भगवान जो हमें रंग देता है, हम उसी में खुश होते हैं, वही हमारा रहता है, उस हमारा फर्ज बनता है, हमारी ड्यूटी है उसे क्लीन करने की, हाइड्रेट करने की, मॉइस्चराइज करने की, उसकी केयर करने की। अगर आपको मैं गलत लगती हूँ तो चेहरा कभी मत धोइए, राइट। बालों को कभी मत वॉश करें, कभी मत नहाइए, क्योंकि आप तो उसी में खुश है ना, जो भगवान ने आपको बनाया है, भगवान ने जो आपको दिया है। भगवान कहता है मैंने आपको बना दिया, जैसा भी मुझसे बना मैंने आपको बना दिया, आपका फर्ज बनता है, अब आपकी ड्यूटी है अपनी केयर करनी, अपने बालों की केयर करनी, अपनी स्किन की केयर करनी, अब ये तुम्हारी खुद की ड्यूटी है। अगर आप खुद की ड्यूटी नहीं निभा सकते हैं तो नहाइए मत, मुंह मत धोइए। जो नेगेटिव कमेंट नीचे आके लिखते हैं, ऐसे फेक वीडियो बनाती है, कॉपीराइट वीडियो, यार हाँ सच मैं बताना भूल गई, कॉपीराइट वीडियो का मसला क्या है भाई। कुछ लोग बोलते हैं मैम कॉपीराइट वीडियोस है, आप लोगों के सामने बना रही हूँ, एक मिनट, बेसन स्किन को क्लीन करता है, अगर मैं किसी रेमेडी के अंदर बेसन डाल रही हूँ तो कहते हैं मैंने कॉपीराइट मार दिया। कम मॉन सेंस होनी चाहिए आप लोगों को कि बेसन ऑलरेडी स्किन को क्लीन, हाइड्रेट, मॉइस्चराइज, नॉट मॉइस्चराइज, क्लीन हाइड्रेट करता है, ओपन पोर्स, डस्ट, डर्ट को दूर करता है। तो अगर मैं उसे यूज कर रही हूँ तो क्या वो कॉपी हो गया किसी का? कम ऑन यार, प्लीज। नीचे इतने गंदे और बकवास जाहिल कमेंट जो है वो लिखना बंद करें, मुझे उस पर कोई असर मुझ पर नहीं उसके होने वाला है, राइट। और जो स्किन को वाइट करने की रेमेडी है वो ऑब्वियसली है स्किन को क्लीन, सॉफ्ट, स्मूथ करती है। जो आज का वीडियो है उसके अंदर मैंने कुछ एसेंशियल ऑयल यूज किए हैं। अगर आपको ऑरेंज एसेंशियल ऑयल यानी कि लेमन एसेंशियल ऑयल जो होता है, लेमन एसेंस, लेमन एसेंशियल ऑयल आपको सूट नहीं करता तो बिल्कुल यूज मत कीजिए, ठीक है। और जो रेमेडी मैंने जैसे बनाई है वैसे बना लीजिए, वो मत यूज करें। जो रोज का मैंने एक एसेंशियल ऑयल डाला है वो यूज कर लीजिएगा। ये स्किन को लाइट एंड ब्राइट करता है, स्किन को टाइट करता है, एज के इफेक्ट को कम करता है। तो इसे जरूर ट्राई करें एक दिन छोड़ के। अगर आप इसका यूज करते हैं तो स्किन वाइट होती है, क्लीन होती है, सॉफ्ट बनती है, ठीक है। और अगली बात ये है दोस्तों कि इसको अगर एज की बात करूँ, 15, 16, 17, 18 साल के बच्चे और लाइक 15 साल के बाद आप इसे यूज़ कर सकते हैं, कोई भी एज ग्रुप इसे यूज़ कर सकता है। 15 साल के पहले के जो बच्चे हैं वो इसे यूज़ मत कीजिए, 15 साल के बाद आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अल्टीमेट है, मैंने खुद ट्राई किया, मेरे हस्बैंड ने ट्राई किया
और वो तो एक दिन छोड़ के लगाना शुरू कर देते हैं, राइट? तो यूज़ करके ज़रूर देखें, एक बार के यूज़ से ही आपको इफेक्ट नज़र आएगा। ट्राई करें, इसका जो रिजल्ट है मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। इसके साथ के जो क्वेश्चन हैं, जब मैं लाइव होती हूँ तो तब प्लीज़ जितने क्वेश्चन होते हैं आप क्लियर कर सकते हैं। और बहुत जल्द नए नए इवेंट, नई नई चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और नई, और हाँ, अगर आपको लगता है मैंने ये फेस पैक मेरे हस्बैंड ने यूज़ किया या नहीं किया, तो मेरे ब्लॉग जो है एमजित ब्लॉग, उसको चेक कीजिएगा। वहाँ पे आपको प्रॉपरली पता चल जाएगा कि हमने, मैंने कितना यूज़ किया, उन्होंने कितना यूज़ किया। ओके, तो दोस्तों चलिए, अभी बहुत बातें हो गई हैं, बहुत मेरे जो सब्सक्राइबर हैं बोर भी हो गए होंगे और अभी नीचे कमेंट ही करने वाले होंगे, तो बेस्ट है कि हम रेमेडी देख लेते हैं, DIY देख लेते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है और जो बेल आइकन है उस पर क्लिक जरूर कीजिएगा, ताकि मेरा आने वाला वीडियो उसकी नोटिफिकेशन आपसे स्किप ना हो पाए। इस रेमेडी को बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले जो हमें इंग्रेडिएंट चाहिए होगा वो काउलिन क्ले है। देखिए, अगर चेहरे को आपने हील करना है, चेहरे को गोरा करना है, अपनी स्किन को 1 से 2 लेयर तक लाइटन करना है, तो आपको काउलिन क्ले ज़रूर खरीदनी पड़ेगी। अगर आप नहीं खरीद सकते हैं, आपको लगता है आप नहीं परचेज कर सकते हैं, तो फिर आप इसकी जगह पर इसे रिप्लेस कर सकते हैं मुल्तानी मिट्टी के साथ। दोस्तों मुल्तानी मिट्टी की तरह ही काउलिन क्ले होती है, इसको चाइना क्ले भी बोलते हैं। और आपने क्या करना है, 1 चम्मच इस क्ले का लेना है, काउलिन क्ले का 1 चम्मच लेना है। अगर इसे ख़रीदना है तो डिस्क्रिप्शन बार में लिंक दे दिया है, आप इसे ख़रीद सकते हैं। ये देखिए, ये स्किन को एक्सफोलिएट करती है, डेड सेल्स को इम्प्रूव करती है, लाइक निकालती है, स्किन को डिटॉक्सिफाई करती है, तो बहुत बहुत अच्छा है और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। तो आपने 1 चम्मच काउलिन क्ले का लेना है। जो दोस्तों नेक्स्ट इंग्रेडिएंट मैं ले रही हूँ वो है एल्पस गुडनेस स्विस लव का नीम पाउडर। आप इस नीम पाउडर को घर पे भी बना सकते हैं, अगर इसे ख़रीदना चाहते हैं तो नीचे लिंक दे दिया है मैंने, वहाँ पे ख़रीद सकते हैं। अगर आपके घर में नीम का पेड़ लगा है तो पत्तों को अच्छी तरह से सुखा लीजिए, मिक्सी में चला के आपने उनका पाउडर बना लेना है, बहुत अल्टीमेट है, आपने उसे लेना है। इसकी हेल्प से क्या होता है दोस्तों, इसकी हेल्प से चेहरे पे पलपने वाले पिंपल्स नहीं होंगे, जो आपके चेहरे पर बैक्टीरिया होने लग जाते हैं जिसकी वजह से एक्ने पिंपल होते हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे। एक्जिमा से ये लड़ता है, फाइट करता है, स्किन को क्लीन करता है, नरिश करता है, स्किन को स्मूथ रखता है। तो आपने 1 चम्मच नीम पाउडर इसके अंदर डाल लेना है। अब आपने दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, 1 चम्मच काउलिन क्ले का है तो 1 चम्मच नीम पाउडर का है। तो दोस्तों अब जो चीज़ इसके अंदर मैं डालने वाली हूँ उनमें से आप दोनों में से कोई एक चीज़ यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मेरे कुछ सब्सक्राइबर बोलते हैं कि मैम हमें कुकम्बर जेल सूट नहीं करता। अगर कुकम्बर जेल सूट नहीं करता आपको, तो आपने एलोवेरा जेल यूज़ करना है। अगर एलोवेरा सूट नहीं करता तो आपने कुकम्बर जेल यूज़ करना है। आपने इन दोनों में से कोई भी एक जेल यूज़ करें, तो जो एलोवेरा जेल है वो भी सेम वर्क करता है, कुकम्बर भी सेम ही वर्क करता है। ये आपके चेहरे को ठंडक प्रदान करता है, स्किन पे एक्ने पिंपल्स नहीं होने देता, ड्राई स्किन के लिए बहुत बेस्ट है, तो स्किन को ब्राइट करने के लिए हेल्प करता है, स्किन को लाइटन करता है, स्किन को सप्पल बनाता है। तो आपने इन दोनों में से एक जेल को यूज़ करना है। दोनों में से अगर ये गुड वाइब्स के हैं और इनमें कोई केमिकल नहीं होता, अगर हम बाहर से परचेज करते हैं तो कहीं में केमिकल बहुत ज़्यादा होता है, तो गुड वाइब्स के प्रोडक्ट्स मैं इसलिए ज़्यादा यूज़ करती हूँ क्योंकि इनके अंदर दोस्तों केमिकल बिल्कुल नहीं होता है, तो इसलिए मैं नहीं यूज़ करती हूँ। अगर आप इन्हें खरीदना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बार में लिंक दे दिया है, वहां पे क्लिक करके इन्हें परचेज कर सकते हैं। तो आपने दोनों में से किसी एक को यूज करना है और 1 चम्मच आपने इसके अंदर इन दोनों में से एक चीज का डाल देना है। दोस्तों इसकी गुड वाइब्स के जो दोनों प्रोडक्ट मैंने आपको दिखाए हैं, इनकी खुशबू इतनी लाजवाब है कि क्या बताऊँ, बहुत बहुत अच्छी खुशबू है, बहुत बड़ी। दोस्तों स्किन को ब्राइट करने के लिए जो मैं अगला इंग्रेडिएंट डाल रही हूँ, दिस वन, ये है लेमन एसेंशियल ऑयल। लेमन यानी कि नींबू, नींबू का एक एसेंशियल ऑयल है, एसेंस इसके अंदर है, जो स्किन को लाइटन करने में, स्किन को ब्राइट करने में हेल्प करता है। ये बहुत बहुत अल्टीमेट है, अगर आपके पास नहीं है तो इसे ज़रूर खरीदें, डिस्क्रिप्शन बार में मैंने लिंक दिया है। इससे स्किन लाइट होती है, स्किन के ऊपर जो प्रॉब्लम्स हैं, एक्ने पिंपल्स सब ठीक करता है ये। चेहरे के ऊपर जो दाग धब्बे हैं, पिंपल होने के बाद जो चेहरे पे दाग धब्बे रह जाते हैं, उन्हें ख़त्म करने में बहुत हेल्प करता है। तो 2 ड्रॉप्स में इस एसेंशियल ऑयल की मैं इसके अंदर मिक्स कर दूंगी। तो अगर नहीं है तो ज़रूर परचेज़ कीजिएगा दोस्तों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इसको लेना। फ्रेगनेंस लाजवाब है, बहुत अच्छी फ्रेगनेंस है। ये देखिए 2 ड्रॉप्स मैंने इसकी ली हैं और बहुत बहुत अल्टीमेट और रिच फ्रेगनेंस के साथ इसे बनाया गया है।
अगला है दोस्तों रोज वुड एसेंशियल ऑयल। दोस्तों रोज वुड एसेंशियल ऑयल किस लिए होता है वो भी बता देती हूँ, ये भी एल्पस गुडनेस का है। रोज वुड एसेंशियल ऑयल जो है दोस्तों ये हमारी स्किन को रेजुविनेट करता है, स्किन के ऊपर होने वाले ब्लैमिशेस को दूर करता है, अगर आपके चेहरे पर ब्लैक हेड्स हैं उन्हें दूर करता है, स्किन को क्लीन करता है, सॉफ्ट करता है, ओपन पोर्स को श्रिंक करने में लाजवाब है। तो इसके दो ड्रॉप्स भी मैं इसके अंदर लाइक हमारे मिक्सचर के अंदर मिक्स करूँगी। और आप इसकी नोज़ल तो देख ही चुके हैं, नोज़ल इतना अच्छा है कि जब भी हम इस प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं उतना प्रोडक्ट ही बाहर निकलेगा जितना आपको चाहिए होगा। ये देखिए मैं इसको उल्टा करके रख रही हूँ लेकिन प्रोडक्ट बाहर नहीं निकलेगा, जैसे ही मैं इसे एक दो करूँगी तो सारा प्रोडक्ट जो है निकल के बाहर आ जाएगा। अब आप सोचोगे आया या नहीं आया, ये देखिए आ चुका है। तो दो ड्रॉप्स मैं इसके अंदर मिक्स करूँगी। अब रोज़ वाटर गुलाब जल की मदद से मैं इसका पेस्ट तैयार कर लूँगी। तो दोस्तों ये हमारा जो पेस्ट है बनके तैयार हो चुका है, आपने हाथों की मदद से या ब्रश की मदद से इसे अपने चेहरे पे लगाना है। अगर आप एक दिन छोड़ के इसे लगाते हैं तो चेहरा ब्राइट हो जाता है, स्किन बहुत क्लीन हो जाती है। याद रखिएगा ब्राइट होने का मतलब ये नहीं होता काले को ये गोरा कर देगा, ब्राइट होने का मतलब ये होता है जो आपका स्किन टोन है उसे नरिश करेगा, स्किन को क्लीन करेगा, हाइड्रेट करेगा, ओपन पोर्स को क्लीन करेगा, डस्ट डर्ट पोल्यूशन को निकालेगा, चेहरे को साफ सुथरा बनाएगा, एक से दो लेयर तक स्किन को लाइटन करेगा, स्किन ड्राई है स्किन पे शाइन नहीं है उसे वापस लेकर आएगा। तो हर ब्राइट वाइटनिंग जो मेरा फेस पैक होता है उसका मतलब यही होता है कि हमारी स्किन को क्लीन सॉफ्ट स्मूथ बनाना, एक से दो लेयर तक लाइटन करना। तो मैं इसे अपने फेस पे लगा के बताती हूँ और आप भी इसे एक दिन छोड़ के ज़रूर लगाएं। अगर ये DIY पसंद आया तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इसे घर पर ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। ये बहुत अल्टीमेट और बहुत खुशबूदार फेस पैक जो है वो बन के तैयार हो चुका है। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. सो गाइज कैसी लगी आपको ये रेमेडी? अगर रेमेडी पसंद आई है, ये DIY पसंद आया है तो इसे बनाकर यूज़ करके ज़रूर देखें। तो देखिए कॉलिन क्ले नहीं मिल रहा है तो उसे मुल्तानी के साथ रिप्लेस कर दीजिएगा, वैसे कॉलिन क्ले बेस्ट है स्किन को निखारने के लिए, राइट। तो दूसरा है नीम का पाउडर, मैं एल्पस का यूज़ कर रही हूँ, आपने नहीं यूज़ करना है तो घर पे बना लीजिए। एसेंशियल ऑयल तो आपको देखिए परचेज करने पड़ेंगे, ये डिस्क्रिप्शन बार में प्रॉपर लिंक दे दिए हैं, खरीदिए और उन्हें ज़रूर यूज़ करें। बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस होती है, बहुत अल्टीमेट फेस पैक है, भरपूर मात्रा में फ्रेग्रेंस है इसके अंदर, ज़रूर ट्राई करें। तो दोस्तों मिलूंगी नई वीडियो और नई लाइक DIY के साथ, नए रिव्यू के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल गाइज़।